इस तरह से आरएस घोड़ामाधा टीम के खिलाड़ियों का समावेश, जबकि जबकि संतोष सेठी की अगर बात की जाए तो कप्तान का भूमिका रहेंगे रबानी, जिन्होंने अपना कप्तान का भूमिका रहेंगे, जबकि संदीप मुखी गोलकीपर के अहम भूमिका में रहेंगे। रवानी जो टीम के कप्तान है, जर्सी नंबर 5 कप्तान का भूमिका में रहेंगे। सुकु जर्सी नंबर 4, भोला जर्सी नंबर 13, छोटू जर्सी नंबर 15, अजय जर्सी नंबर 12, बिल्टू जर्सी नंबर 6, संजू जर्सी नंबर 7, पवन मुखी जर्सी नंबर 9 और कार्तिक जर्सी नंबर 2, गणेश जर्सी नंबर 10, मुन्ना जर्सी नंबर 11, मानिक की जर्सी नंबर 8। ये है संतोष एफसी घोड़ा बांधा, संतोष एफसी की टीम। एक तरफ संतोष एफसी और दूसरी तरफ आरएस घोड़ा बांधा। इस समय गेम नंबर 6 संतोष एफसी और आरएस घोड़ा बांधा के बीच चल रहा है। सातवां गेम बोका जूनियर वर्सेस टीआरएफ बॉयज। गेम नंबर 7 बोका जूनियर वर्सेस टीआरएफ बॉयज। प्लीज गेट रेडी फॉर योर 7 नंबर गेम। छोटी छोटी पास कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड लास्ट गेम, गेम नंबर 8 जय माता दी वर्सेस फिर आएगा मैदानी जंग, उसके बीच है गेम 8। आप उसके लिए तैयार रहेंगे? दोनों टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ियों का समावेश यहां पे देखना होगा अंतिम समय तक। और ये दूर से मारने की कोशिश थी, लेकिन गोल पोस्ट से काफी दूर, निराशाजनक शॉट यहां पे। और ये मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। जब संतोष एफसी और आरएस घोड़ा बांधा मैं सभी खिलाड़ियों को और सभी खेल प्रेमियों को अवगत करा दूं, अभी जो मैच आप देख रहे होंगे ये पहला चक्र का छठा मैच है, संतोष एफसी बनाम आरएस घोड़ा बांधा। और इस खेल का खेल निर्णायक मिस्टर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की अगर बात करें तो चाईबासा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और नेशनल लेवल के निर्णायक है। और इस वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट में एक कीर्तिमान साबित किया, जबकि इस बार संजय ट्रॉफी में उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन अपना अनुभवी को कहीं ना कहीं वो दर्शने का प्रयास जरूर करेंगे। दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा और आखिरी दिन गेम नंबर 6 स्टंप चल रहा है संतोष एफसी और आरएस घोड़ा बांधा के बीच। सातवां गेम बोका जूनियर और प्यारे बॉयज के बीच है। और यहाँ पे एक छोटी सी तालमेल की कमी, नतीजा फाउल में तब्दील होता हुआ, जबकि एक संतोष एफसी को एक फ्री किक मिलता हुआ। यहाँ देखना होगा फ्री किक का फायदा उठा पाते हैं नहीं,
लंबी उछाल भरी शॉट। गेम नंबर 7 के लिए भोका जूनियर और टीआरए बॉयज के टीम कैप्टन टीम को तैयार रखकर के लिए आएंगे। गेम नंबर 7 संतोष एफसी आरएस घोड़ा बंदा। स्टंप चल रहा है और 7वां गेम भोका जूनियर और टीआरए बॉयज के बीच है। भोका जूनियर और टीआरए बॉयज के टीम कैप्टन आप टीम मैनेजर टीम को लेके आप आ जाएंगे यहाँ पर। यदि प्लेयर लिस्ट नहीं ले गए हैं तो आप यहाँ से ले जाइए और प्लेयर का नाम यहाँ दर्ज कराइए। मैदान के दाहिने छोर में आरिस घोड़ा बांधा जबकि मैदान के बाएं छोर पे संतोष एफसी। दोनों टीम एक दूसरे के पछाड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट शून्य शून्य पर। इस बचे हुए समय में प्रयास होगा दोनों टीमों का अपनी बढ़त बनाने की और अगले राउंड में जगह बनाने की। मैं सभी दर्शकों को भी एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा जो कल से हमारे साथ अनुशासन बना के साथ बने हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खेल प्रेमियों को। बिना खेल को अपने ऊंचाई तक ले जाना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बसो। मैं आयोजक समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा जो खेल को लोकप्रियता को देखते हुए आज संजय ट्रॉफी के रूप में एक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हमारे बस्ती विकास समिति लुआवासा ऐतिहासिक ग्राउंड में किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजक समिति को। और जितने भी सोशल मीडिया के हमारे बंधु हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि कल के जो मैच हुआ आप लोग YouTube के माध्यम से उस मैच का भी घर में बैठ के आनंद ले सकते हैं। लेकिन आज आंखों देखा हालत देख लेंगे जो आज इस संजय ट्रॉफी का अंतिम और दूसरा दिन है। फर्स्ट राउंड धीरे धीरे समाप्ति की तो हो रहा है। 7वां गेम भोका जूनियर और टीआरए बॉयज के बीच कैप्टन भोका जूनियर और टीआरए दोनों अपनी टीम को लेकर यहाँ आ जाए और तैयार रहेंगे। जय माता दी। और फिर आएगा मैदान जंग फर्स्ट राउंड लास्ट गेम। कैप्टन भोका जूनियर टीआरए बॉयज अपने टीम को लेके आप आ जाइए इधर मैदान के साइड में मेरी बाई तरफ। और उसके बाद गेम नंबर 8 जय माता दी वर्सेस फिर आएगा मैदानी जंग। ये 8वां फर्स्ट राउंड लास्ट गेम होगा। और एक बार खेल के साथ साथ मुख्य मंच की ओर रुख करेंगे जहां हमारे मंच नए नए मिली दुल्हन की तरह सज के तैयार है। और इस मंच को चार चांद लगा ले हमारे बीच पहुंचे हैं हमारे क्षेत्र के समाज से भी संजीत मातो जी, हमारे अभिभावक स्वरूप केपी सिंह जी जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सबों के प्रति रहा, साथ में हमारे अभिभावक सुभाष महतो जी।